हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज मैं वापस से वर्सोवा में आया हुआ हूं और बाजू में जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो ये है तुलसी अपार्टमेंट 2। दोस्तों, ये वही बिल्डिंग है जिसे आप सब लोग देखना चाहते हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। बाहर से तो मैं आपको पहली वाली वीडियो में दिखा चुका हूं दोस्तों, अंदर से दिखाने की सेटिंग लग रही है धीरे धीरे। अब ऐसी खाली नॉर्मल बातचीत से मतलब नहीं है, अब बनाएंगे वीडियो को, अंदर से आपको दिखाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है खुद पर, ऊपर वाले पर और आपकी दुआओं पर कि मुझे अंदर की बहुत जल्दी परमिशन मिलने वाली है। और अगर आप में से कोई भी दोस्तों ये वीडियो देख रहा है और उसकी अगर यहाँ पर कोई टच है, वो इनको जानता है जो यहाँ पर कोई रहते हैं, तो वो लोग भी मेरा ये काम करा सकते हैं। कोई रोहित साहब रहते हैं ना अंदर घर में, तो रोहित साहब से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता? अभी कौन है फ्लैट में? मैडम है ना, वो जानी नहीं देती ना किसी को भी। और भी लोग आए हैं ना यहाँ पर मुझसे पहले? बहुत लोग आए हैं, कोई जुगाड़ करवा दो ना तुम अपना बोल के, कह रहे मैडम छोड़ दो किसी को अगर हो सकता है तो। हाँ, करवा दो ना भाई, अलाउ कैसे भी किसी भी कोशिश से उनके घर पे कुछ इन्विटेशन लेके जाऊँ। अच्छा, गणपति रखे थे क्या इधर? तो गणपति के टाइम पर आ रहे थे लोग बिल्डिंग में? छोटे से रखे थे। उनके घर में रखा था क्या? उनके घर में नहीं था। उनको क्या प्रॉब्लम है यार? अगर कोई दिव्या भारती के चाहने वाले वो वीडियो देखना चाहते तो यार उनको क्यों प्रॉब्लम है इतना? अलाउड नहीं कर रखे हो। वीडियो बना के ला के दे सकते हो? सब कुछ लूंगा। हाँ, पर करना नहीं है। सही बात है भाई, घर का तो उनका घर का नंबर ले और घर का फोटो भी ले, हर चीज कर सकते। वो मुझे ना खिड़की का फोटो चाहिए जहाँ से वो गिरी थी, किचन। उनके घर का कोई पुराना सामान बिकेगा ना तो मेरे को फ़ोन कर दो, मैं तुमको अपना नंबर देता हूँ, रद्दी वाला बन के आऊँगा मैं। हाँ, मेरा नंबर लेके रखो तुम, और उनके घर का कोई पुराना सामान बिकेगा तो मैं लेने आऊँगा भाई, रद्दी वाला बोलना, मेरा रद्दी वाला डबल पैसा देता है वो। तुमसे तो बोलती होंगी ना कुछ सामान वामान? तो जाते रहते हैं सब, रहते यार, तो मेरा तो काम है जाना आना घर पे सब। तुम जाते रहते हो तो तुमने उनका किचन देखा है? वो किचन का पूरा घर देखा हूं। अब तुम सोचो तुम कितने लक्की हो, तुमने वो किचन देखा है और यहाँ पर मेरी वो वीडियो देखना। आप लिखना दिव्या भारती का घर और वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ना, थोड़ा तो पढ़ लेते होंगे ना भाई आप? तो देखो कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्लीज वो घर दिखा दो। उन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझसे नहीं खाली, कि भाई वो घर दिखा दो, कैसे भी दिखा दो। लोग परेशान है उनकी मोहब्बत में। तो आज मैं आपको यहाँ से वो करीब 3 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल जिसका नाम है कूपर हॉस्पिटल, यहाँ से वहाँ का एक सफ़र दिखाऊंगा। 1993 में 1993 में 5 अप्रैल के दिन दिव्या भारती जी की इसी बिल्डिंग पर विंडो से गिरकर डेथ हो चुकी थी। दोस्तों, दिव्या भारती उस दिन पाली हिल पर गई थी, उन्होंने वहाँ पर एक 4 BHK का फ्लैट देखा था, एक बड़ा फ्लैट बैंड्रा पाली हिल में। वहाँ पर उनको उनके हस्बैंड का कॉल आया, वो अपने भाई के साथ में थी जिनका नाम है कुणाल भारती। मैं उनके घर की भी वीडियो बनाया हूँ मतलब बाहर से, और उनके वॉचमैन को अपना नंबर दिया था लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। वहाँ पर फिर से जाऊँगा और उनसे फिर से बात करने वाला हूँ और शायद उनसे परमिशन मिल जाएगी, वो बताएँगे दिव्या भारती जी के बारे में कुछ। तो 1993 में 5 अप्रैल को कुणाल भारती और दिव्या भारती जी पाली हिल बैंड्रा में अपना एक फ्लैट लेने गए थे 4 BHK का, और वो बहुत खुश थी। वहाँ पर उनको एक कॉल आता है साजिद नादियादवाला का, जिन्होंने उनसे शादी की थी 1992 में, करीब 11 महीने पहले शादी की थी उस दिन के हिसाब से। और वो बोलते हैं कि घर पर नीता लुल्ला पहुँची हुई हैं, इसी घर पर, इसी बिल्डिंग में वो डिज़ाइनर नीता लुल्ला पहुँची थी अपने हस्बैंड के साथ में। उनके हस्बैंड एक डॉक्टर हैं और वो दोनों यहाँ पर थे और घर में उनकी मेड थी। दोस्तों, जो उनकी मेड है उनकी खास बात ये है कि वो उनके साथ बचपन से थी, जब से दिव्या भारती, वो उनकी पर्सनल मेड थी, उनकी फैमिली जैसा था, वो शादी के बाद भी अपने साथ में उनको रखती थी, उनका ख्याल माँ जैसा रखती थी। लेकिन उनकी डेथ के करीब 1 महीने बाद उनकी मेड की भी डेथ हो चुकी थी। तो उस रात 5 अप्रैल को करीब 11 बजे साजिद नादियादवाला के फ़ोन के बाद वो यहाँ पर आईं और नीता लुल्ला जी
और उनके हस्बैंड यहाँ पर थे और उनकी कुछ बातचीत हो रही थी। बातें करते करते वो अपनी मेड से भी बार बार बात कर रही थी और वो विंडो पे चली गई। वो वहाँ पर विंडो पे जाली नहीं होती दोस्तों, आज हर विंडो पर जाली होती है। मुंबई में यार इतनी हाइट होती विंडो पे जाली नहीं रहेगी, बच्चा गिर सकता, कोई भी गिर सकता है। तो उस विंडो से गिर के उनकी वहाँ से डेथ हो गई थी। वो वहाँ पर सुना है वो वहाँ पर बैठी थी और डिसबैलेंस होने की वजह से उनका वो वहाँ से गिर गई। दोस्तों तभी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, ये इधर उधर से पढ़ी लिखी पढ़ी हुई चीज़ें, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों से, बड़े बड़े न्यूज़पेपर की वेबसाइट से पढ़ पढ़ के मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। 1993 की रात वो यहाँ पर जब गिर गई थी, बाजू में यहाँ पे कार खड़ी रहती हैं, देखो आप बाहर से भी देखोगे तो अभी भी बालकनी में ये यहाँ पे नीचे पार्किंग में कार खड़ी रहती हैं। लेकिन उस दिन इत्तफाक था कि एक भी कार नहीं थी, क्योंकि अगर कार होती तो डायरेक्ट कार पर गिरती, नीचे नहीं गिरती तो हो सकता था वो बच जाती। लेकिन फिर भी उनका थोड़ा बहुत सांस चल रहा था और वो यहाँ से इसी रोड से दोस्तों, यही गेट है बिल्डिंग का, जो गेट आप देख रहे हो यही गेट है, यहीं से उनको बाहर निकाला गया होगा। और वो यहाँ से ये रास्ता दोस्तों, यही रास्ता, ये यही जगह, यहाँ से उनको हॉस्पिटल लेके गया गया था। दोस्तों मैं आपको ये कंप्लीट रास्ता दिखाना चाहता हूँ जहाँ से उनका लाश सफ़र हुआ था। आप ये वीडियो पूरी देखना, एक सेकंड की भी मिस मत करना दिव्या भारती जी की, जहाँ से वो गुजरी थी। और हम वो हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे जहाँ पर उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी हम तुलसी अपार्टमेंट से आपको कूपर हॉस्पिटल का वो रास्ता दिखाने जा रहे हैं जहाँ से दिव्या भारती जी को लेके जाया गया होगा। हमारी बाइक तैयार है और लोकेशन पर हमने मैप में लगा दिया है एकदम करेक्ट रास्ता। दोस्तों हम लोग कूपर हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं दिव्या भारती जी को, करीब 29 साल बाद उनकी डेथ के बाद। दोस्तों ये दिव्या भारती जी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में सबके दिलों पर राज किया था, अपनी खूबसूरती से, अपनी एक्टिंग से और अपनी मासूमियत से। दोस्तों बॉलीवुड की दुनिया में इन्होंने करीब 13 फिल्मों में काम किया था और 13 फिल्मों में से इनकी 12 फिल्में तो हिट थी। इनकी हिट फिल्मों से ही हम इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक टाइम की कितनी फेमस एक्ट्रेस थी। दोस्तों करीब 15 साल की उम्र से इन्होंने फिल्मों में काम करना, एक्टिंग करना चालू किया था, लेकिन इनको भी काम नहीं मिल पा रहा था। हम आपको बता दें दोस्तों, पहले एक डायरेक्टर ने इनको फिल्म में काम दिया और फिर इनके हाथ से वो फिल्म ले ली गई थी। फिर दूसरे डायरेक्टर जो कि गोविंदा जी के भाई हैं मशहूर एक्टर के, उन्होंने भी इनको एक फिल्म के लिए साइन किया, लेकिन वो फिल्म भी इनसे ले ली गई थी। उसके बाद ये बहुत टेंशन में आ गई थी दोस्तों, और उस टेंशन में इनकी फैमिली इनको कुछ दिनों के लिए कश्मीर लेके चले गए थे घुमाने के लिए। मैं आपको इनके कश्मीर वाले फ़ोटो भी स्क्रीनशॉट में दिखा दूं और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा वो देख के भी दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद इनको कुछ तमिल में फिल्मों में काम मिला और तमिल की फिल्मों में इनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और उसके बाद बॉलीवुड की फिल्म विश्वात्मा में इन्होंने सनी देओल जी के साथ में काम किया और एक सॉन्ग जो सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ दोस्तों। उस सॉन्ग ने इनकी रातों रात और ज़्यादा नाम और पॉपुलैरिटी में इनको फेमस कर दिया। और फिर दीवाना फिल्म जो कि मेरी फेवरेट फिल्म है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, उसके सारे गाने सुपर हिट हैं दोस्तों, उससे भी इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली और आज हम सब के दिलों में ये छाई हुई है दोस्तों। तो दोस्तों एक दिन था जब दिव्या भारती इसी रोड से लेके जाई जा रही होंगी, उस वक्त जब वो यहाँ से गुजर रही थी, तो दोस्तों वो टाइम पर वो बहुत तकलीफ में थी और सारे लोगों को जो उनके साथ में थे सबको, और उनकी यही तमन्ना होगी कि बस ऊपर वाला एक बार उनको बचा दे। और उनकी ज़िंदगी अभी तो शुरू ही हुई थी, 92 में शादी हुई थी और 93 में उनकी डेथ हो गई थी।
इसी रास्ते से दोस्तों दिव्या भारती जी लास्ट टाइम गुजर रही थी और बहुत सारे सपने जो शुरू ही हो रहे थे वो आज के दिन से करीब 29 साल पहले ख़त्म हो चुके थे। दोस्तों हम जल्दी ही पहुंच रहे हैं कूपर हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जहां पर दिव्या भारती ने अपने लास्ट वाले आखिरी वाले सांस लिए थे और वो जब यहाँ जा रही थी हॉस्पिटल तो ये वही रास्ता है जहां से उनको लेके जाया जा रहा था। दोस्तों ये रास्ता वही है जो उनके घर तुलसी अपार्टमेंट से कूपर हॉस्पिटल को जोड़ता है। दोस्तों मैं आपको मेरी फीलिंग बयान नहीं कर सकता हूँ कि कैसा फील होता है, ऐसा लगता है कि डीपली मैं घुस चुका हूँ उन वो टाइम पर मैं पहुँच चुका हूँ जिस वक्त वो दौर था, जब वो दौर था जब दिव्या भारती का टाइम था, जब दिव्या भारती का लास्ट टाइम था, जब दिव्या भारती का वो दिन था जब उनकी डेथ हुई। दोस्तों हम कूपर हॉस्पिटल के पास पहुंच चुके हैं, राइट साइड में जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ये वही कूपर हॉस्पिटल है दोस्तों जहां पर दिव्या भारती जी आई थी। दोस्तों ये वही हॉस्पिटल है जहां पर उनको लाया गया था और उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई थी। दोस्तों इस हॉस्पिटल से उनको तुलसी अपार्टमेंट नहीं भेजा गया था, यहाँ से उनको उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया था और उनको अर्चना कुटीर में लेके गया था। ये है हॉस्पिटल का गेट दोस्तों,